संदीप मुझे बताइए कि आखिरी दिन आप क्या करते थे? कल तो सर यानी कि मेन बेसिक मेरे को कल मेन था डबल डेकर सीपीयू नेट प्रोग्रामिंग डबल डेकर सीपीयू में आपने क्लीनिंग प्रोसेस किया पूरा खुद से नए नए वीडियो ना सो मेरे साथ में है संदीप आप कहाँ से उदयपुर राजस्थान उदयपुर राजस्थान आप क्या करते थे संदीप से पहले सर पहले ऐसे मोबाइल की शॉप थी टावर एक्सेसरीज सेल करता था अच्छा तो आपने क्यों ऐसा लगा कि आपको चिप लेवल पे सीखना चाहिए या आपने क्या सोचा कि इस मार्केट में या इस इंडस्ट्री में बूम मिलेगा क्या आपके दिमाग में थी जब दूसरा काम दूसरों से करवाते थे लाइन में लगा रहना बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा भारी लगता था कि भैया खुद को क्यों नहीं आता खुद को क्यों नहीं आता है और दूसरे काम बिगाड़ भी देते थे आपके नाम पर तो भरना आपको ही पड़ता भरना हमारे भी पड़ता तो आप मुझे बताइए इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आप जिस शहर में आए वहाँ से भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं तो आपने क्या एक रीज़न है कि एसर टेलीकॉम को सेलेक्ट किया यहाँ पर सबसे पहले तो लोगों से जो पहले यहाँ से सीख के गए उनसे पूछा कि भैया कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए तो आप बेसिकली आपने रिव्यू लिए ओके सब्जेक्टरों ने फिर यहीं का नाम लिया जबलपुर में एशिया टेलीकॉम में जाइए चलो फिर चल के देखते हैं यहाँ पे नेट पे सर्च किया नेट पे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आया बहुत बढ़िया लगा पहले दिन डर लगा सच बताइए पहले दिन डर लगा कि सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा वो तो सर दो तीन दिन तक कंटिन्यू लगा था दो तीन दिन तक उसके बाद में फिर कैसा लगा बाद में तो लगा हाँ सर सीख जाओ सीख जाएंगे क्योंकि एकदम से आपने सोचा कि यार मोबाइल रिपेयरिंग में क्या सिखाएंगे कैसा सिखाएंगे सारी चीज़ें फिर थ्रू आउट कैसी रही मतलब पहले डे से लेकर अब तक की बहुत बढ़िया रही है मतलब जो हमने बोला है वो डिलीवर किया है आपने उससे ज़्यादा ही किया अच्छा किस डेट में आया थे आप मैं था 26th आज क्या तारीख है 24 मतलब लगभग एक मंथ हो चुका है 27 तारीख को काउंसलिंग इनकी की गई थी काउंसलिंग में बेसिकली क्या बताया जाता है क्यों काउंसलिंग की जाती है थोड़ा बताइए ये बताया जाता है कि भैया आप क्या पढ़ाएंगे हमारे को और कैसे पढ़ाएंगे सिलेबस बताया गया थोड़ा सा एक छोटी सी डेमो क्लास भी देनी थी ये बताने का कि पढ़ाने का अंदाज कैसा है उस दिन फीस ली थी क्या नहीं सर उस दिन बोल और क्लास लेने के बाद में क्या बोला था कि अगर समझ में आया तो बैठी है अदरवाइज नहीं बैठी ऐसा किया है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट फीस लेके बैठा दिया है नहीं उसके बाद भी 3-4 दिन बाद बहुत लोगों ने 3-4 दिन बाद मतलब मैंने ये भी बोला था 2 दिन बाद कि अगर 2 दिन बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो चाहो तो पैसे लेकर भी जा सकते हो ठीक है सो संदीप मुझे बताइए कि आखिरी दिन आप क्या करते थे कल तो सर यानी कि मेन बेसिक मेरे को कल मेन था डबल डेकर सीपीयू नेट प्रोग्रामिंग डबल डेकर सीपीयू में आपने क्लीनिंग प्रोसेस किया पूरा खुद से कैसा मतलब कभी सोचा था कि डबल डेकर सीपीयू मतलब एक इंस्टीट्यूट में जाऊंगा एक जियो की पावर से चालू करूंगा फिर एक सीपीयू तक जाऊंगा सीपीयू लाइव किया आपने मोबाइल में सीपीयू लाइव किया आपने फर्स्ट टाइम यही किया है कभी ऐसी काम नहीं किया आपने कभी चार्जिंग सॉकेट भी नहीं लगाया तो आपने यहाँ पर डबल डेकर सीपीयू क्लीनिंग प्रोसेस कैसा लगा आप मतलब घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है वेरी गुड और मतलब मैं आके टीचरों की बात करूँ तो कैसा है सपोर्टिव है डिसिप्लिन की बात बताइए डिसिप्लिन जरूरी है कि नहीं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा और अगर जैसे आपकी 12 बजे क्लास है या सुबह 8 बजे क्लास है और अगर हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे और हम टीचर लोग ही 9 बजे अगर आएंगे तो ये किसका घाटा है हमारी घाटा हम खुद ये सोच के आप लोग इतनी दूर से क्या सोच कर आए हैं खाली पढ़ने के लिए कि पढ़ने के लिए आए हैं तो फिर डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए यहाँ पर पढ़ाई के लिए तो है ना यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक भी एक सेकंड बता दो जहाँ पे आपको मूवी दिखाई गई है या फालतू की बात की गई है या आपको यहाँ पर किसी चीज़ की स्टोरी बता रहे हैं हम कोई ऐसा तो कुछ तो वो डिसिप्लिन क्या है डिसिप्लिन ये कि आप कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट आप यहाँ पर बैठ के अपना वही चीज़ आए और उसी के लिए तो ये चीज़ हार्ड तो लगती है क्योंकि बहुत लोगों के लिए पहली बार होता है ना सवेरे 8 से शाम क्या प्लानिंग है यहाँ से जाने के बाद मेरी शॉप है उसमें रिपेयरिंग का पूरा वेरी गुड चलो ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं मैं सीपीयू निकल रहा हूँ कौन सा फ़ोन है ये MI Y1 है जी तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं